तो गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पेन ड्राइव में विंडो कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगा जो कि बूटेबल होना चाहिए। तो गाइस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं एक आई बटन पर आपको दे दूँगा। तो गाइस आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन में जाके क्लिक करके वहाँ से वो वीडियो देख सकता है और विंडो को बूटेबल कैसे बना सकते हैं वो सीख सकता है। तो गाइस हमें एक पेन ड्राइव चाहिए होगी जो कि बूटेबल होनी चाहिए। उसको हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे। तो गाइस देखिए ये जो हमारी पेन ड्राइव है इसको मैंने बूटेबल बना रखा है जो पेन ड्राइव जी के नाम से है। और सो गाइस विंडो क्रिएट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है यमी सॉफ्टवेयर। तो गाइस वो सॉफ्टवेयर मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस जिसको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये जो है मेरे पास सॉफ्टवेयर है यमी 2.0.0.8 वर्जन है। तो गाइस इसको हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम अग्री पर क्लिक करेंगे। सो गाइस हमें यहाँ पर विंडो क्रिएट करनी है पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट द ड्राइव लेटर ऑफ योर यूएसबी, तो हमें उस ड्राइव पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें विंडो बनानी है। तो गाइस हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर गाइस नीचे आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू पुट ऑन जीम, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको विंडो कौन सी बनानी है। तो गाइस अभी जो मैं विंडो बना रहा हूँ वो है विंडोज़ 8.1 प्रो विंडोज़। तो गाइस इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये ऑप्शन गाइस ये देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिंगल विंडोज़ विस्ता 7, 8, 10 इंस्टॉलर। तो गाइस अगर आपको विंडोज 7, 8, 10 कोई सी विंडो आपको सिंगल विंडो बनानी है तो गाइस आपको यहाँ पर गाइस आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास विंडो 8.1 प्रो बनाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शन है विंडो 8 का, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज करनी है, एक फाइल होती है आईएसओ फाइल जो कि इमेज होती है विंडो की जो हमें क्रिएट करनी है, वो मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम इसकी जो आईएसओ फाइल है उसको ब्राउज करेंगे। सो गाइज ये है इसकी विंडोज़, मेरे पास जो आईएसओ फाइल है विंडोज़ 8.1 प्रो की है। तो गाइज हम आज विंडो 8.1 प्रो बनाएंगे, तो इस पर हमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है और इसके बाद यस पर क्लिक करना है। तो गाइज जो अभी आपकी जो विंडो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज इसमें कुछ टाइम लगता है तो अभी हम वेट करेंगे। इसमें टाइम दिखा रहा है 11-12 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है गाइस विंडो को क्रिएट होने में, नॉर्मल विंडो को क्रिएट होने में। तो गाइस अभी हम वेट करेंगे। तो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
सो गाइस, जो हमारी विंडो है वो पेन ड्राइव में क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें लिखा है वुड यू लाइक टू ऐड मोर आईएसओ नाउ ऑन जी, तो हम इसको नो करेंगे। तो गाइस, हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें फिनिश पे ओके करेंगे। तो गाइस, पेन ड्राइव में हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा पेन ड्राइव रेडी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइस, इस तरीके से आप आसानी से पेन ड्राइव में विंडो क्रिएट कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।